जय मुमाय। आज हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारी जिंदगी में कष्ट, दुख, परेशानी, तकलीफ, ये सारी चीजें पीछा नहीं छोड़ रही है तो क्या करना है। रामबाण उपाय 7 आज मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ। तो विलंब ना करते हुए चलो प्रारंभ करते हैं कि हमारे दुख, तकलीफ, कष्ट, बीमारी है, पैसे की तकलीफ है, मानसिक चिंता है, परेशानी है, अगर आपका पीछा नहीं छोड़ रही है तो वो 7 रामबाण उपाय कौन से हैं आज मैं आपको बताना चाहूँगी। हर कोई इंसान किसी न किसी तकलीफ से घिरा हुआ रहता है। हर किसी को समस्या का सामना करना ही पड़ता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं इस संसार में जिसे समस्या का सामना ना करना पड़ रहा हो। तो चलो आज मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ कि कौन से 7 उपाय हैं जिससे करके आप इस तकलीफ से छुटकारा पा सकते हैं। नंबर 1, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है, तकलीफ इतनी बढ़ गई है, कोई मार्ग नहीं दिखाई दे रहा है। एक काम कीजिए, किसी भी तीर्थ स्थान पे चले जाइए। गया है, काशी है, मथुरा है, हरिद्वार है, हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे तीर्थ स्थान है। वहाँ जाके आप नदी है तो वहाँ पे स्नान कर लीजिए। नदी है, तालाब है, वहाँ कोई कुंड है, आप वहाँ स्नान कर दीजिए और आपके जो पहने हुए कपड़े है, वस्त्र है, उसे वहीं पे छोड़ के दूसरे नए वस्त्र पहनिए। सारे वस्त्र को आपको वहीं त्याग देना है। नंबर 2, ये हो गया 1 रामबाण उपाय। नंबर 2, आपको क्या करना है तो 3 शनिवार तक आपको छाया दान करना है। एक कांसे की कटोरी ले लीजिए, उस कटोरी में आपको सरसों का तेल आता है ना, उस तेल को भर देना है कांसे की कटोरी में और उससे अपना चेहरा देखना है। आपको उसमें अपना चेहरा दिख जाए, उस तेल को आप किसी गरीब व्यक्ति को दे दीजिए या पीपल के नीचे, पीपल का वृक्ष है उसके नीचे आप उसका दिया कर दीजिए। आप देखेंगे ये हो गया छायादान, दूसरा रामबाण हो गया उपाय। तीसरा, आपको तुला दान करना है। अब ये तुला दान क्या है, आपको आपके वजन के बराबर अन्न दान करना है और ये अन्न दान जिसको सच में जरूरत है ऐसे व्यक्ति को कीजिए। आपका वजन 60 किलो है, 70 किलो है, आपने अपना वजन करवा दिया, उस हिसाब से आप अनाज लीजिए और जिसके ऊपर तकलीफ है उसके हाथों से आप अन्न दान करवा दीजिए। ये हो गया तुला दान। नंबर 4, आप अपने हस्त दान कर सकते हैं, मतलब अपने हाथों से भी आप जो दान करते हैं उसे कहा जाता है हस्त दान। अपने हाथों से किया छोटा मोटा जो भी दान कर रहे हो। नंबर 5, त्रिपिंडी श्राद्ध। आजकल हर दूसरी कुंडली में ये देखने को मिलता है कि इससे तो पितृ पीड़ा है, इस कुंडली में श्रापित दोष है और ये तकलीफ कुंडली में होने से समस्याएं लगातार बनी रहती है, आपका कोई काम नहीं बनता है, बनता हुआ काम बिगड़ जाता है, घर में मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए
त्रिपिंडी श्राद्ध आप करवाइए। हो गए 5 उपाय। नंबर 6 गौदान। अक्सर लोग कहते हैं कि कोई इंसान मर रहा है तो उसके हाथ से गाय का दान करवाइए, पर नहीं, अपने जीते जी जिस इंसान को तकलीफ है उस इंसान के हाथ से आप गौदान करवा दीजिए। और आखिर में 7वां उपाय, आपको महा उपाय है ये। और ये कौन सा उपाय है तो आज मैं आपको ये 7वां और महा उपाय बताऊंगी। आपको 3 या 5 ब्राह्मण से संकट नाशन गणेश स्त्रोत के 108 पाठ करवाने हैं, 9 चंडी संपुटित पाठ करवाना है और बटुक भैरव स्त्रोत के 108 पाठ करवाने हैं। खर्चा है, हम समझते हैं खर्चा है इस चीज में, पर आपको इसका अचूक रिजल्ट भी मिलेगा। ये अचूक राम बाण प्रयोग है, आपको अपनी तकलीफ से छुटकारा दिलाने का। आशा करती हूँ आज का विषय आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं तो आप मेरी चैनल को लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जय श्री कृष्णा, जय मोमाय।